आज मैं आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम वन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो सैम्पल प्रॉब्लम वन है मैंने क्लास नाइन्थ की, आप देख सकते हैं ये नाइन्थ की फिजिक्स की लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, ठीक है। और पेज नंबर है 106। तो आपको ये सैम्पल प्रॉब्लम वन जो है मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है ना वो क्या है, 2 मीटर स्क्वायर है। और इस 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ गिवन दिया है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फोर्स कितना दिया हुआ है, यहाँ पर फोर्स जो है देखिए इसको मैंने कैपिटल एफ से डिनोट किया है, ठीक है, जो कि दिया हुआ 100 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ जो कैपिटल एन है ये फोर्स की यूनिट होती है जिसको कि न्यूटन कहा जाता है, और इसको शॉर्ट में कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो ये कितना दिया हुआ, 100 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, एरिया कितना दिया हुआ है, ए यहां पर एरिया जो है मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया है, वो दिया हुआ है यहां पर 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर। यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर, ठीक है ना। हमें यहां पर प्रेशर बताना है कि प्रेशर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेशर समझ लेते हैं कि प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। प्रेशर जो होता है एक फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, हर ऑब्जेक्ट का कुछ तो एरिया होगा ना, और ये ऑब्जेक्ट किसी भी शेप में हो सकता है, चाहे सर्कल हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे जो भी शेप हो। तो हर ऑब्जेक्ट का अपना एक एरिया होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका एरिया, चाहे प्रेशर किसे कहते हैं, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये इसके इसका फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिट एरिया होता है, यूनिट एरिया का मतलब यहां पर है 1 मीटर स्क्वायर। जैसे यहां पर 2 मीटर स्क्वायर दिया है ना, तो प्रेशर में प्रेशर जो निकाला जाता है वो केवल उस कोई भी ऑब्जेक्ट का 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट होता है ना उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर, यही मतलब है इसका, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो परपेंडिकुलर फोर्स जो लग रहा है ना उसी को प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो केवल 1 मीटर स्क्वायर पर कोई फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर लगना चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये जैसे परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो परपेंडिकुलर का मतलब कि इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे ये पेन जो है आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमारा हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है और फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रहा है, फोर्स देख सकते हैं वर्टिकली है, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट एरिया पर लग रहा है उसी को प्रेशर कहा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एरिया देखिए 2 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रेशर क्या होता है, उस किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल 1 मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स लगता है उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर का फोर्स 100 न्यूटन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप एरिया जब इसका हाफ कर दीजिए एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स भी हाफ कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा, 50 न्यूटन। तो ये जो 50 आ रहा है ना, तो वो 50 जो है वही प्रेशर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से समझा दिया। तो फॉर्मूले के हिसाब से इस तरीके से हम निकालेंगे कितना दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल पी से, ठीक है, इक्वल टू फोर्स, फोर्स कितना दिया हुआ, 100, ठीक है, अपॉन एरिया, एरिया कितना दिया हुआ देखिए 2 मीटर स्क्वायर, 2, ठीक है ना। तो ये 100 न्यूटन है, तो यहाँ पर यूनिट भी लिख दीजिए फोर्स का, ये एफ जो है हमारा 100 न्यूटन है, मैंने यहाँ यूनिट लिख दिया। 2 क्या है, एरिया है, तो मीटर स्क्वायर लिखिए, ठीक है। तो पी इक्वल टू देखिए 250 कट गया, तो कितना आया 50, फिर क्या है न्यूटन पर, और नीचे क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो प्रेशर होता है या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखिए, या फिर यहाँ पर इसको पास्कल भी लिख सकते हैं, जस्ट
पास्कल, ये भी यूनिट हो, ये भी प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मतलब ही है पास्कल। तो प्रेशर ये हमारा आ गया 50। प्रेशर का मतलब ही यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करता है उसी को प्रेशर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो 50 आ रहा है, ये 50 क्या बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट बोल रहा है उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पर जो 50 आ रहा है ना, ये बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट के केवल 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो कितना है, वो उसी को प्रेशर कहा जाता है। यानी कि ये प्रेशर जो है 50 यही बताना चाह रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।